अस्सलाम वालेकुम हजूर। ये नए आदमी हैं, कौन है? ये उमर शरीफ साहब जो एमटीए पे। हाँ हाँ हाँ, नज़में उन्होंने इजाजत मांगी थी गाने की, नज़म भी सुनाएंगे आज जी। हम मुझे वहाँ मिले थे दफ्तर में जी। हाँ, पहले सवाल करूँ हजूर? हाँ हाँ, पहले सवाल करें हर एक शख्स पर इल्हाम या वही अल्लाह ताला की तरफ से नाजल नहीं होती, तो इंसान किस तरह समझेगा ऐसे शख्स जिस पर इल्हाम भी नहीं होता, वही भी नहीं होती, किस तरह समझेगा कि अल्लाह ताला के मुकर्रब है? तो किस तरह समझेगा कि मैं अल्लाह का मुकर्रब हूँ? जो मुकर्रब है उनका दिल उनको बता देता है, उसके लिए इल्हाम होना जरूरी नहीं है। इल्हाम तो खास बंदों को होता है जिनके जरिए दूसरों को पैगाम पहुंचाना मकसूद हो। हाँ, नज़्म सुनाया। कभी इज़्ज़त हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, कभी इज़्ज़त हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये जरा सी एक निगारिश है निगार तक तो पहुँचे, कभी इज़्ज़त हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, दिल बेकरार काबू से निकल चुका है या रब, ये निगाह रख के पागल सरदार तक तो पहुँचे, ये निगाह रख के पागल सरदार तक तो पहुँचे, कुछ अजब नहीं के कांटों को भी फूल फल आता हो, मेरी चाह की हलावत रगे खार तक तो पहुँचे, कभी इज़्ज़त हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये मोहब्बतों का लश्कर जो करेगा फतह खैबर, जरा तेरे बोग़्ज़ो नफरत के हिसार तक तो पहुँचे, जरा तेरे बोग़्ज़ो नफरत के हिसार तक तो पहुँचे, वो जवान बर्क पा है वो जमील दिल रुबा है, मेरा नाला उसके कदमों के गुबार तक तो पहुँचे, मेरा नाला उसके कदमों के गुबार तक तो पहुँचे, कभी इज़्ज़त हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये जरा सी एक निगारिश है निगार तक तो पहुँचे। जज़ाकुल्लाह।